नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। APO, ADPO और दिल्ली मेजर CJ के फॉर्म आए हुए हैं, उन सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अदर स्टेट PCS के लिए भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बनता है? देखिए, जो सुंदरबन का डेल्टा बनता है वो इसमें है गंगा नदी, इसमें ऑप्शन दिया हुआ गंगा नदी, तो इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों के मुहाने पर बनता है, दोनों के मिले पर बनता है, तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है गंगा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा रेल मार्ग है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक कौन से राज्य में? ये दक्षिणी डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जो इंडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे पहले देखिए, इंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका में है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांगुआ। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो जो अधिकांश पठारी भाग हैं उनमें उत्खनन की प्रधानता सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है? मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन और पुर्तगाल में। अगला है, कनाडियन पैसिफिक रेल का मार्ग कहाँ स्थित है, कहाँ से कहाँ तक है? तो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक, ये है हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ब्लैक हिल्स, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ब्लैक हिल्स ब्लू हिल्स तक ग्रीन पहाड़ी नाम, पहाड़ियाँ किस देश में है? ये है USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, चेनाब नदी का उद्गम स्थल, ये है बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में, ये पाया जाता है गोंडवाना क्षेत्र में, जो गोंडवाना क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर और ये है उड़ीसा राज्य में है महानदी पर हीराकुंड परियोजना। अगला है, रवांडा की राजधानी कौन सी है? तो यह है किगाली, रवांडा की राजधानी है किगाली। अगला है, माउंट एटना ये चोटी है किस देश की पर्वतमाला में स्थित है? तो ये माउंट एटना चोटी है सिसिली में है, इटली में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यह है मरे डॉलिंग, 3,717 किलोमीटर लंबी ये नदी है। अगला है, ग्रीनलैंड की खोज करने वाले कौन थे? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने खोज की थी ग्रीनलैंड की। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है सांटो एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है और यह है वेनेजुएला में। अगला है, डोडोमा कौन से देश की राजधानी है? डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। अगला है, युगांडा की राजधानी क्या है? युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला है, किस दिन सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है? ये होता है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इसको उपसौर कहा जाता है, उपसौर। अगला है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर न्यूनतम होती है? ये होती है भूमध्य रेखा पर, ये माइनस है, -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी होती है न्यूनतम देशांतर रेखा पर। अगला है, दहाड़ता चालीसा है, यह है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ पर तेज पछुआ पवने चलती हैं, दहाड़ता चालीसा। अगला है, मौरी का मूल निवास स्थान किस देश में है? यह है न्यूजीलैंड में, मौरी का मूल निवास स्थान है न्यूजीलैंड में। अगला है, तुंगभद्रा और भीमा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? यह है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा और भीमा नदी।
अगला क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? सेम क्वेश्चन तंजानिया, युगांडा, सेम क्वेश्चन कंपाला देख चुके हैं हम, ये क्वेश्चन देख चुके हैं फ्रेंड हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो यह है अरब का प्रायद्वीप, इसका क्षेत्रफल इतना है, देख लीजिए 3250000। नेक्स्ट है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की जो दवा बनाई जाती है वह क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है उससे बनती है कुनैन। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान में है ये सबसे बड़ी नहर परियोजना है ये। अगला है, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से पहचाना जाता है? जो भाखड़ा नागल बांध है उसमें किस नाम से पहचाना जाता है? ये पहचाना जाता है गोविंद सागर नाम से। अगला है, किस ग्रह को लाल तारा कहा जाता है? ये तो पता होगा आप सबको, मंगल ग्रह को, आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। अगला है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पहाड़ी पर है? माउंट मैकिले पर है रॉकी पहाड़ी पर, जो रॉकी रेंज है उस पर है माउंट मैकिले। अगला है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भू भाग को किस नाम से पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है पोल्डर के नाम से। अगला देखते हैं, अगला भारत की सबसे गहरी खान, यह है कोलार की खान। नेक्स्ट है, देश कौन से देश में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, अदर कई कई स्टेट पीसीएस में, लोअर पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, और जज के एग्जाम पे भी पूछा गया है ये कि पंपास के जो घास के मैदान है कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय कौन से शहर में है? यह है पुणे में। नेक्स्ट है, मशकुट जल विद्युत परियोजना कौन कौन से राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? यह है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। अगला है, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर देखिए, उत्तर प्रदेश हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, इसमें हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर देखते हैं, क्योंकि ये यूके यानी कि उत्तराखंड होगा ये, तो क्योंकि अब तो अलग हो चुका है ये, उत्तराखंड और यूपी तो अब अलग हो चुके हैं, तो ये उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये है नंदा देवी। नेक्स्ट है, भारत को सबसे अधिक नगरीकृत राज्य, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? ये कहता है क्षुद्र ग्रह। अगला है, अलबत्ती बांध, यह है कृष्णा नदी पर। अगला है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों को का निर्माण कौन सी नदी पर है? इनका निर्माण है चंबल नदी पर। अगला है, जो जिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? ये जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये याद रखना, जो जिला दर्रा जोड़ता है लेह और श्रीनगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो लोग टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ़ की सहायता से अर्धगोलाकार आवास बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कहते हैं इग्लू। इग्लू जो होते हैं, देखिए बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, ठीक है, सब कुछ इसमें बर्फ़ का होता है, खिड़की भी बर्फ़ की होती है, सब दरवाजे सब कुछ इसमें बर्फ़ का होता है, इनको इग्लू कहा जाता है बर्फ़ के घरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के ज्वारनदमुख में कीचड़ वाले किनारे पर हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति एवं श्वसन मूल वाले ज्वारियापन क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं गरान। अगला है, थुम्बे कूप पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आबशादी शैलों में, थुम्बे कूप पाए जाते हैं आबशादी शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर है? हूबर बांध किस नदी पर? यह है कोलोरेडो नदी पर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट बैंक क्षेत्र कौन सी नदी के पश्चिम में स्थित है? यह है जॉर्डन। फ्रेंड, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।